हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक के आपके ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बहुत ज़ोर शोर से इंटरनेशनल हेल्थ एडोलेसेंट हेल्थ वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जाके स्लम्स में एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑर्फनेजेस में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, और हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज के जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हेल्दी लाइफस्टाइल, बॉडी शेमिंग, किस तरह से हमारे जो ट्रांजिशन हो रहा है बॉडी में उसको हम लोग कैसे कोप करेंगे, इसके ऊपर हम लोग की सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इसी इंटरनेशनल हेल्थ एडोलेसेंट हेल्थ वीक के ऊपर मैंने सोचा कि आज बॉडी शेमिंग के ऊपर मैं अपना वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि वाकई बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। हम लोग जब भी किसी एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, अरे यार तू बड़ा मोटा हो रहा है, अरे तू खाना नहीं खाते, क्या इतना दुबला कैसे हो गया, तू भाई कुछ जिम जाया कर, अपना वेट बढ़ा ले। किसी को बोलते हैं कि वो तो बड़ा काला हो गया, वो बड़ा फेयर है, मतलब इस तरह से हम लोग जो बॉडी के ऊपर जो रिमार्क्स पास करते हैं, और हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कितना डैमेजिंग हो सकता है अगले इंसान के लिए। तो और ख़ास तौर पर जो हमारे ट्रांजिशन, जो हमारे जो टीनएजर्स हैं, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, वो क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, वो एक बचपने से लेके एक जवानी की तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं। लड़के हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी जैसे कि ये फट रही होती है, मूंछे दाढ़ी आ रहे होते हैं, चेहरे पे एक्ने वगैरह आ जाते हैं, लड़कियों की भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होते हैं लोग बच्चे, और इसके ऊपर से अगर कोई उनको कह दे करे तो तू बड़ी मोटी हो रही है, तू कैसी लग रही है, तू अगली लग रही है, तू खूबसूरत लग रही है, तो इसको लेके फिर बच्चों में बड़े कॉम्प्लेक्सेस आने लगते हैं, जिससे बच्चा अपने आप को एक तो आइसोलेट कर लेता है, उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाती है, और कभी कभी बच्चा इसको बहुत ही सीरियस ले लेता है और वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि इन बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो बच्चे अगर बड़े हैं तो एक्सेसिव डाइटिंग प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, कुछ जो बहुत पतले हैं वो खाने में ऊपर लग जाते हैं। तो कहने की मुराद ये कि जो बॉडी शेमिंग हमारी सोसाइटी का जो एक चीज़ है, ये बहुत गलत है। बॉडी शेमिंग हम लोग खुद भी अपनी भी कर सकते हैं, और बॉडी शेमिंग में हम दूसरों को भी कर सकते हैं। खुद भी कभी कभी जब एडोलेसेंस में, खासतौर पर मैंने देखा है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं जवानी के दौर में, उनको अपनी बॉडी बुरी लगने लगती है, उन्हें लगता है कि अरे मेरा चेहरा कैसे हो रहा है, मेरी बॉडी कैसी हो रही है, तो इसको लेके वो ऑलरेडी एक तरह से एक स्ट्रगलिंग फेज में रहती है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं उनकी वजह से उनका बेचारों का बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे अपने एडोलेसेंट्स को कहना चाहूँगा कि बेटा अपने आप को प्यार करो। इसका सलूशन सिर्फ यही है कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप जैसे भी हो, भगवान ने आपको बनाया है, आपको खास बनाया है, हर इंसान खास है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है। अपनी पॉजिटिविटीज़ को देखिए कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है। भगवान ने हर, हो सकता है किसी, हर इंसान को अलग बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया है, बट इट डजंट मीन कि वो ख़राब है। आपकी इंटरनल ब्यूटी, आपका अंदर से व्यक्तित्व कैसा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ज़िंदगी में सिर्फ वही माने रखता है। हमारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बॉडी शेमिंग से बच्चों अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप की, अपने आप से प्यार कीजिए, और अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर आप अपने आप को फोकस कीजिए। और जो लोग आपको, मतलब सोशल मीडिया में जैसे बुलिंग लोग करते हैं, कह के आप इस तरह के अपने निगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे आप अनफ्रेंड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए नहीं जो आपको इरीटेट करते हैं, परेशान करते हैं, और बॉडी शेमिंग जैसे वर्ड्स आप लोगों के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज बच्चों में आपसे यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप से प्यार करो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो। ये जो प्यूबर्टी का पीरियड है, ये गुजर जाएगा, ये वक्त है। माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, उनको थोड़ा सा उनका स्पेस देना शुरू करें, उनसे चिपके नहीं, क्योंकि बच्चा आपसे इस समय दूर जाने लगता है, वो ऑलरेडी परेशान है। अगर वो कमरे में अकेले लेटा हुआ है तो आप उसको परेशान ना कीजिए, उसको अपना स्पेस दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक पे लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से जो मेरा मैसेज आप सबके लिए, वो यही है कि अपने आप से प्यार कीजिए। भगवान ने जैसा भी आपने आपकी बॉडी बनाई है, आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, इस चीज़ को महसूस करो, और निगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखो, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाओ, फिजिकल एक्टिविटी में जाओ, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन के सामने मत रखो। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतनी आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।